मध्य प्रदेश के कटनी जिले से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां सिमको लाइमस्टोन के मैनेजर को भट्टे में फेंककर जिंदा जला दिया गया था। हत्या के इस मामले में पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मैनेजर का अधजले शव भट्टी में फेंक दिया था। शव को जब्त कर पुलिस ने जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाई थी। आरोपियों ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने रात में घर में घुसकर चोरी करने की योजना बनाई। रात को 1 बजे आशीष बाउंड्री कूदकर अंदर पहुंचा और मैनेजर के कमरे में घुस गया था। इसी बीच मैनेजर समनू की नींद खुल गई थी, तभी आरोपियों ने उस पर डंडे से हमला कर दिया। इस चुनौती को हमने और हमारी पूरी टीम ने स्वीकार किया और हमने कुछ ही घंटों में इस वारदात का खुलासा किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैनेजर विश्वकर्मा जी थे, जो इस घटना में मृतक हैं, उनके द्वारा हर हफ्ते मजदूरों को पेमेंट किया जाता था और इस बात की जानकारी इन आरोपियों के पास थी। ये जो चार आरोपी हमने पकड़े हैं, जो कि उसी भट्टे के इर्द गिर्द रहते हैं, सालों से इसके परिवार वाले और ये स्वयं भी उसी भट्टे में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अपनी लालच के कारण, अपनी कहते हैं आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण इसने इस घटना को कारित किया है। और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इन्होंने चोरी करने के उद्देश्य से, विश्वकर्मा जी के तिजोरी में चोरी करने के उद्देश्य से जो पैसे वहाँ पे रखे हुए थे उसको निकालने के उद्देश्य से उसके कमरे में प्रवेश किया। जब विश्वकर्मा को यह पता चला कि हमारे कमरे में कोई प्रवेश कर गया है, तो वो कमरे में जब अंदर गए तो इन्होंने लगातार उसके ऊपर डंडे से हमला किया, खदेड़ के भी उसको डंडे से पीटा है और उसकी निर्मम हत्या कर दी है। हत्या करने के उपरांत विश्वकर्मा जिस बिस्तर पे सोते थे उसी बिस्तर से इसको लपेट करके उसकी बॉडी को ऊपर चिमनी के पास ले जा करके, भट्टे की चिमनी के पास ले जा करके उसको फ्लेम में डाल दिया गया। और जैसा आप सभी को पता है कि उनकी बॉडी जो है छत्रविछत हालत में, अधजली, बिल्कुल जली हुई हालत में हमें प्राप्त हुई थी।